and welcome to my YouTube channel. Hi, my name is Simran Chawla, and if you are new to this channel, please subscribe and hit the bell icon below. So, आज की वीडियो है जो आपने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा कि हम ट्राई करेंगे ऑल द वेज बर्गर्स फ्रॉम मैकडोनल्ड्स एंड यस हम अपना ऑनेस्ट रिव्यू देंगे. तो हम लोग का ऑर्डर आ चुका है. हाँ, ये 803 के हमें है. वो यार कितनी अच्छे से पैकेजिंग करी इन लोग ने. तो या आई लाइक इट. यस, सो सबसे पहले हमारा महाराजा मैक बर्गर. लाइक ये बहुत बड़ा बर्गर है. देन जल्दी ले ये डोसा मसाला बर्गर, बटर पनीर ग्रिल्ड बर्गर, दिस इज मैक वेजी बर्गर. दैट्स कूल कि ये लोग अपना सारा नाम लिखते हैं इस पे, है ना? हाँ, सारे नाम लिखते हैं. आई गेस मैकालू टिक्की बर्गर पे कुछ नहीं लिखा है, तो आई थिंक सो इट्स मैकालू टिक्की ओनली. दिस इज मैकालू टिक्की बर्गर होल व्हीट बन एंड दी आर द केचप्स. ओके, सो वी ऑर्डर्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6 बर्गर्स. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मैकालू टिक्की बर्गर से, क्योंकि वो हम लोग सबका फेवरेट है एंड सबसे बेसिक से हमें शुरू करना है, तो हम पहले वही शुरू करेंगे. तो मैकालू टिक्की बर्गर खाते हैं. यस, या सो बहुत पिचक गया ये बर्गर. और ये एक्चुअली इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है. इट्स आलू पैटी एंड पहले ये लोग टमाटो भी डालते थे, बट टमाटो है नहीं अब इसमें, तो नॉर्मल आलू टिक्की है एंड टमाटो. हाँ, और सॉस है. जूस से करने लग रहे हैं. यस, बट स्टिल इट इज माय फेवरेट, क्योंकि ये 48 सिर्फ 48 का है. तो इसको खाते हैं. नो कंपैरिजन, बहुत ज्यादा है ना. और ये खाते ही रहते तो सॉस आप देख सकते हैं. दूसरा बर्गर हम लोग कौन सा ट्राई करें? इसी का भाई मैक वेजी. यस, वेजी में अदर वेजिटेबल्स भी होते हैं, लाइक बीन्स, कैरेट्स, ऑल ये सब. वेजिटेबल्स लेटस डालते हैं लोग, क्योंकि कैन सी बहुत छोटा सा, बट लेटस डालते हैं. और ये इसमें सेसमी सीड्स भी है, थोड़ा महंगा है बस इसी का पैसा है. बट लेट्स सी व्हाट्स द डिफरेंस, क्योंकि ये हमें 48 का पड़ा मैकालू टिक्की एंड दिस वी गॉट फॉर 98 रुपीस इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाउ इज इट? आई वुड से इफ यू वांट टू हैव इट जस्ट लाइक दिस और इट्स अ प्रॉपर तरीके से, इसमें मेयोनीज नहीं है. और आई गेस अगर मैं काली टिक्की से कंपेयर करें तो ये थोड़ा सा ड्राई है, है ना? और आई वुड प्रेफर फॉर स्पेंडिंग 48 रुपीज एंड गेटिंग मैकडोनल्ड्स इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग 50 रुपीज एक्स्ट्रा. वो मेरे लिए सही नहीं रहेगा आई थिंक. सो मुझे अच्छा लगा, तो अच्छा लगा. इट्स अ नाइस वन. हम करते हैं महाराजा वाला, क्योंकि मुझे बहुत एक्साइटमेंट है उसकी. इसका आप पैकेजिंग देखिए, इसका पहले साइज देखिए. स्पेशल स्पेशल इम्पोर्टेंस दी गई है. यस, एंड दिस इज ऑफ 204 रुपीज. सच एन एक्सपेंसिव, बट पहले हम देखते हैं कि क्या अब इस खाने में कैसा लगता है. क्या बात है, हम इसको रिमूव करते हैं. महाराजा वाली पहली बात हमें यही दिख गई, क्योंकि इसके इसके लिए पैकेजिंग आई है और इन सबके लिए पैकेजिंग नहीं आई है अभी. तो ये महाराजा तो है ही है, पर खाने में कैसा है? लिटरली बर्गर लग रहा है, क्योंकि बाकी सब इतने पतले थे. बट इसमें दो पैटीज है, आलू पैटीज है, आप देखोगे एक ये है एंड एक ऊपर है. हाँ, सो इसमें डबल पैटीज लेयरिंग है बर्गर, लाइक आई गेस इसकी बन की भी थ्री लेयरिंग्स हैं. इतने बर्गर खाने में बड़ी मुश्किल होती है. पहले तो ये देखें कि हम कैसे खाएं इसे, और फिर उसके बाद गिरता है कुछ होता है, पर हमें ट्राई करना है. बिकॉज इट्स टेम्पटिंग. इसमें एक्चुअली महाराजा में वी हैव एक्स्ट्रा एलपिनोज एंड और भी वेजीज हैं, जो कि मतलब
फैसिनेटिंग लग रही है। नीचे भी लेयरिंग वैसी है बहुत, हाँ नीचे भी लेटस एंड सॉसेज की है, चीज है इसमें, चीज भी है। सो दिस इज इसमें चीज भी है, इफ यू कैन सी जस्ट। सो अब इसकी बाइट लेना है, फिर कहाँ से शुरू करूँ और कैसे शुरू करूँ? रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। इतना बड़ा मुंह खोलना पड़ता है हमें? सी ओह माय गॉड दिस इज लवली। ओह ये गिर रहा है, सॉरी। दिस इज वेरी नाइस। इफ यू लव एलिपिनोस, if you love a bit of spicy, cheesy, it's dropping down. So yeah, after that, but it's messy also. So, बहुत ही crispy है and बहुत ही अच्छे तरह से मतलब बना है पूरा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे खाने में तो। And yes, it's too big. मैं एक और bite लूँगी इसकी क्योंकि I really loved it. अब आप कौन सा try करना चाहेंगे? I'll try the butter पनीर ग्रिल्ड बर्गर। ये आई थिंक इनका न्यू एडिशन है, इसमें ब्लैक सेसमी सीड्स भी है, बहुत ज्यादा है। इफ यू कैन सी दिस, ये आई थिंक कुछ रेड ग्रीन सी है। वाओ, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे ठीक ठाक लगा। मतलब मैं पनीर की बहुत बड़ी लवर हूँ, बट ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बर्गर के अंदर पनीर पकौड़ा डाल के खा रही हूँ। What? अरे कहना क्या चाहते हो? But the size and you will see कि ये उतना worthwhile नहीं है, और इसको खाने का मुझे और मन नहीं कर रहा। तो मुझे क्या लगा? मुझे नहीं अच्छी लगा। पहली बात तो मैं पनीर तो खाते नहीं, पर मैंने फिर भी सोचा कि चलो ट्राई करते हैं, क्योंकि ट्राई करने से पता चलता है। फिर पनीर ने डिसअपॉइंट किया। बट नो, द लेयर ऑफ पनीर इज वेरी थिन और मुझे नहीं लगता कि ये यानी पूरा ड्राई है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। इसमें सॉसेस भी है, बट फिर भी वो टेस्ट ही नहीं। हाँ, वो भी टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा है। हाँ, देन नेक्स्ट हम लोग करते हैं, आई डोंट नो ये कौन सा वाला है, आई होप ये शेजवान वाला है, क्योंकि इसमें नाम ही लिखा है। इसमें नाम ही लिखा है, सॉरी। I think it's Shizwan burger, हम लोग ने जो order किया। But ये मुझे पहले से basic वाले से ही जैसा लग रहा है। I don't know. See, if you can see, this is Shizwan burger. ये आप लोगों को same लगेगा देखने में बिल्कुल। हाँ, ये same है, but इसकी जो sauce है, I showed you, reddish color. Yeah. तो ये normal burger से थोड़ा सा हटके तो है ही है। Let's see कैसा होता है, क्योंकि मैं I'm a very big fan of Shizwan. Is it the same like the basic one or ye kuch alag? No, it's spicy. It's good. Spicy. But it's on a bit dry side. Jiski sauce achhi lagi. But ek hit karti hai. Obviously Shizwan hai to karegi. But I guess some scope. Yeah. अब हम लोग का बस आखिरी बर्गर बचा है। ये थोड़ा सा weird है because it is dosa burger. या डोसा बर्गर। इस पे भी ब्लैक एंड व्हाइट सेसमी सीड्स हैं, इफ यू कैन सी खाना। बट और अंदर इट्स लाइक इट्स नॉट सही है, इट्स नॉट टेस्टी। आई गेस इसकी जो पैटीज है, इट्स अ आई वुड से जो इसका पैटीज है, मुझे समझ में आ गया कि ये डोसा वाला जो पैटीज का डोसा वाला बैटर का होता है ना, वही फिलिंग जो होती है। फिलिंग वही है। तो लेट्स, इसको मैं केचप नहीं लगाऊंगी क्योंकि इसमें एक्चुअली में डोसा लग रहा है। एक्चुअली ना, बट मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा लोग इसको मैं एक्सेप्ट कर पाऊंगी कि नहीं, द वियर्ड कॉम्बिनेशन। सो आउट ऑफ ऑल दीज सिक्स बर्गर्स,
what do you think like कि बेस्ट कौन सा है? अभी भी मैं यही बताना चाहूँगी, बेस्ट तो मुझे महाराजा ही लगा, बिकॉज इसकी क्रिस्पी पैटीज है एंड प्लस क्रिस्पी पैटीज है एंड टू दो है तो मुझे बहुत अच्छा लगा खाने में. बड़ा था बट टेस्टी बहुत है. महाराजा वाज बेस्ट एंड बेसिक भी बहुत अच्छा था. नो ट्राई ऑफ ग्रिल्ड पनीर. यस, पनीर आप बिल्कुल मत ट्राई करना, बट पनीर मुझे सच में नहीं अच्छा लगा एंड वैसे भी मुझे इतना ज़्यादा नहीं पसंद है, बट मैंने ट्राई करना चाहा था बट वो फिर मुझे डिसअपॉइंट कर गया एज यूजुअल. एंड और मेरा फेवरेट था, इफ आई टॉक अबाउट बजट, सो नथिंग कुड बी बेटर देन द मैकालो टिक्की. बट इफ यू कैन गो एक्सीड योर बजट देन दिस हैज माय हार्ट. महाराजा वाज दी बेस्ट एंड एलपिनोस का टेस्ट, मेयोनीज का टेस्ट, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट, सो बैलेंस्ड. थोड़ा मेसी है खाने में, बट आई लव्ड इट. सो फाइनली हम लोग एंड पे आ गए हैं एंड यस, आप लोग भी जरूर ट्राई करना, महाराजा भी करना एंड बेसिक वाला भी करना एंड जो हमने और ट्राई किया वो भी करना, बट पनीर मत करना. आई स्वेयर इट्स वर्स्ट, मुझे नहीं अच्छा लगा. एंड वीडियो के हम एंड पर आ गए हैं, तो आपको कैसा लगा खा करके? मुझे बहुत मजा आया, लाइक आई एम डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, ईटिंग ऑल द बर्गर्स फ्रॉम यस. आई रियली वांटेड टू रिव्यू दिस. I really want to review this burgers with you all and yes. मतलब मैं जब भी जाती थी ना McDonald's, तो I used to eat only मैकालो टिक्की. मैंने तो वेजी भी ट्राई नहीं किया था कभी. हाँ, डोसा वाला I have tried, but वो डोसा पहले टेस्ट नहीं हुई थी मैं. I've never tried any of the burgers except that basic one, which is our life saver. And yes, हमें कुछ भी पसंद नहीं आता, हम 48 रुपीस का जाकर के बर्गर खरीद लेते हैं एंड बहुत अच्छा है. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो और आप चाहते हैं कि हम लोग ऐसे ही रिव्यूज करें, हाँ, डिफरेंट डिफरेंट जगह का स्ट्रीट स्टाइल फूड एंड एवरीथिंग यू वांट, आपको कोई भी हमें सजेशन देना हो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें, क्योंकि हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे. एंड यस, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय.